हाय फ्रेंड्स, हमारा लास्ट टॉपिक था फाइल इनपुट आउटपुट इन सी शार्प। हमारा अगला टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी शार्प। एक्सेप्शन एक्चुअली एक प्रॉब्लम है जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, रन करते हो, और तब जब कोई एरर आती है उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं। और उसी एक्सेप्शन, जैसे कि अगर आप डिवाइड बाय जीरो करते हो तो जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड बाय जीरो करोगे तो वो डिवाइड तो होगी नहीं, मतलब कि वो एक एरर सेंड करेगा और वो जो एरर होगी वो रन टाइम में होगी। हमारे प्रोग्रामिंग में दो टाइप के एरर्स होते हैं, कंपाइल टाइम एरर्स और रन टाइम एरर्स। तो ऐसी जो डिवाइड बाय जीरो एरर्स होती है वो कंपाइल टाइम में नहीं दिखती, पर जब प्रोग्राम को रन करते हो तब वो एरर एग्जीक्यूट होती है, मतलब सामने आती है। और उस टाइम पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रॉब्लम वही होती है कि एग्जीक्यूशन आपका बंद हो जाता है, प्रोग्राम की जो स्क्रीन है वो खुद ब खुद रिमूव हो जाती है। फाइन, तो ऐसा एग्जीक्यूशन बीच में ना रुके, फाइन, उसके लिए हम सी शार्प में एक्सेप्शन ही नाम का एक क्लास बनाया है, जो कि आपको एक जो प्रोग्राम का जो पार्ट है उसे अगर बीच में एरर आती भी है तो वो पर्टिकुलर प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा, तो मतलब कि टर्मिनेट नहीं करेगा, और ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब कि वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन लाके सिर्फ प्रिंट करके देगा, पर आपका जो एग्जीक्यूशन है वो बंद नहीं करेगा। और इस चीज़ के लिए हम चार कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं। पहला है ट्राई, दूसरा कैच, फाइनली एंड थ्रो। अब पहला जो कीवर्ड है ट्राई, वो क्या करता है कि ट्राई का एक ब्लॉक होता है, मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड है, कर्ली ब्रैकेट्स में शो किया जाता है, हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। फाइन, तो वो जो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में जो कोड होता है वो रन होना ही होना है, उसके अंदर जाके जितना भी कोड होगा वो रन होगा। पर ट्राई का स्पेशल ब्लॉक क्यों बनाते हैं, बिकॉज अगर उस ब्लॉक के अंदर, दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो कोड किया और उस कोड में अगर कोई एरर आती है तो इनबिल्ट वो एरर थ्रो होती है। जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है और उसके साथ में बॉल आता है तो वो सामने बॉल को फेंकता है, थ्रो करता है और सामने वाला कैच करता है, उसी तरह यहाँ पे एक ट्राई का ब्लॉक होता है। अगर इस ब्लॉक के अंदर कोई एरर आती है तो वो एरर थ्रो होती है, अगर ऑफकोर्स थ्रो होती है तो कोई ना कोई कैच करने वाला होगा ही, तो उसके लिए कैच का ब्लॉक है। और ट्राई के बाद एक साथ आप एक से ज़्यादा भी कैच ब्लॉक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट में तो एक ही बॉल है, पर यहाँ पे तो एरर्स कई तरह के होते हैं, तो हर एरर के लिए एक एक कैच ब्लॉक, तो आप चाहे इतने कैच ब्लॉक ऐड कर सकते हो। फाइन, मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी एरर आएगी वो जो एरर थ्रो करेगी, फाइन, वो कैच जो ब्लॉक है वहां पे कैच हो जाएगी, मतलब जो ब्लॉक है कैच का उसका काम है एक्सेप्शन, मतलब एरर को कैच करना और पर्टिकुलर उसे हैंडल करना, और कैसे हैंडल होता है वो हम आगे देखेंगे। फाइन, तीसरा कीवर्ड है फाइनली। फाइनली एक ऐसा है, नाम से पता चले फाइनली मतलब फाइनल करना ही करना है, तो वो एंड में आता है, वो भी सिर्फ एक बार ही आता है। फाइन, वो भी ट्राई की तरह सिर्फ एक बार ही आता है। कैच ही एक ऐसा ब्लॉक है जो मल्टीपल टाइम्स आप ले सकते हो एज पर दी एरर, जितनी एरर्स होती है उतने आप कैच ब्लॉक ले सकते हो। फाइन, अब जो फाइनली जो स्टेटमेंट होता है, मतलब फाइनली जो ब्लॉक है, इसके जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा उसे एग्जीक्यूट करना ही करना है। फाइन, और थ्रो होने के बाद या थ्रो होने से पहले जब भी आप फाइनली स्टेटमेंट यूज करते हो तब ये पर्टिकुलर कोड रन करना ही करना है। ओके, मतलब ट्राई के बाद कैच, मल्टीपल कैच भी हो सकते हैं, और कैच के बाद जो फाइनली स्टेटमेंट होगा वो कोड रन करना ही करना है। ओके, और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप फाइल को ओपन करते हो तो सीधी सी बात है उसे क्लोज भी करना है। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर कोई एरर रेज होती है या नहीं होती है, आपको फाइल को क्लोज करना ही, तो उस फाइल क्लोज का कोड आप फाइनली में डाल सकते हो और फाइल ओपन का कोड आप ट्राई में डाल सकते हो, और अगर ओपन करते वक्त कोई एरर आती है तो वो एरर थ्रो होगी और वो कैच कर लेगा और पर्टिकुलर उसे हैंडल करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। पर एनी हाउ वो जो ब्लैक स्क्रीन होती है, जो कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है, जो एग्जीक्यूशन जो होता है सीशा का, वो बंद नहीं होने देगा, प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं होने देगा। ठीक है, और ये जो ट्राई के अंदर जो एरर आती है वो पर्टिकुलर इनबिल्ड थ्रो होती है एरर। आप अगर अपने आप से एरर को थ्रो कराना चाहते हो तो उसके लिए थ्रो कीवर्ड का यूज होता है, आप एरर को थ्रो करा सकते हो, पर इसके लिए आपको थ्रो कीवर्ड को ट्राई ब्लॉक के अंदर ही लेना पड़ेगा और वहां से जो एरर थ्रो होगी वो कैच ब्लॉक के अंदर कैच हो जाएगी और वो हैंडल हो जाएगी। ठीक है, तो ये है, देखिए आप सिंटेक्स, ये ट्राई का ब्लॉक है, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट कराने हैं और आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट से कहीं ऐसा एरर जनरेट हो सकती है तो आप इसके बीच में डालिए, फिर उस
एरर जो भी पॉसिबिलिटी होती है एरर्स की, मतलब कि डिवाइड बाय जीरो है, ये है, वो एरर है, जितने भी आप पॉसिबल लेना चाहो उतने आप ले सकते हो। पर एक बार याद रखना कि सी शार्प में एक कॉमन क्लास तो है ही जिसका नाम है एक्सेप्शन, सिर्फ एक्सेप्शन, और किसी भी टाइप की एरर होगी वो एक एक्सेप्शन क्लास में तो जाएगी ही जाएगी। पर इसके अलावा सेपरेटली अलग से बहुत सारे ऐसे स्पेशली एरर्स के लिए ऐसे क्लास बनाए गए हैं। फाइन, तो ये पहला ट्राई ब्लॉक, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे, कोड होंगे, सी शार्प के वो रन होंगे, और इसके बीच में अगर एग्जीक्यूशन में कहीं पे कोई एरर आती है तो वो जो कैच, जो मतलब जो एरर जिस टाइप की होगी उस टाइप के कैच में जाएगी। अगर आपने डिवाइड बाय जीरो का यहाँ लिखा है और अगर किसी दूसरे टाइप की एरर आती है तो यहाँ पे चेक करने के बाद यहाँ पे नहीं जाएगी, किसी और कैच में जाएगी, पर कहीं ना कहीं कैच में कैच होके उस एरर को हैंडल करेंगे और वहाँ पे भी आप कोड करा सकते हो। मतलब एग्जीक्यूट को टर्मिनेट होने से बचाने के लिए आप यहाँ पे कुछ लाइंस प्रिंट करा सकते हो, पर आपका जो एग्जीक्यूशन है वो बंद नहीं होगा, इसे वही एक फ़ायदा मिलता है। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि फाइनली जो कीवर्ड है वो एक ही बार यूज़ हुआ है, जैसे कि ट्राई हुआ था, यहाँ पे फाइनली हुआ है। फाइन, तो ये जो फाइनली कीवर्ड के बीच में जो स्टेटमेंट्स होंगे वो भी एग्जीक्यूट करने करने हैं जैसे कि ट्राई के करने हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे तरह तरह के क्लासेस दिए गए हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि पर्टिकुलर जो एक्सेप्शन का एक क्लास जो बनाया है वो एक कॉमन है, पर इसके अलावा दूसरी और कैटेगरीज हैं एरर्स की, कि अगर इनपुट आउटपुट का जो अगर क्लास में प्रोग्राम कर रहे हो, मतलब शीशा में प्रोग्राम कर रहे हो और उसमें इनपुट आउटपुट के वक्त अगर कोई एरर आती है तो उसके लिए एक स्पेशल क्लास बनाया है, तो ये है, उसका नाम है आईओ एक्सेप्शन। अगर आप एरे ले रहे हो और उसमें एरे की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, मतलब एरे होता है साइज 10 का और आप 15 पे स्टोर कर रहे हो तो उसकी तो साइज है ही नहीं उतनी, मतलब कि तब एरर आती है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की, तब उस एरर को कैच करने के लिए स्पेशल क्लास है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। फिर उसी तरह है एरे को मैच करना है और मैच नहीं होता है तो टाइप मिसमैच एक्सेप्शन। नल रेफरेंस, मतलब आपने कोई ऑब्जेक्ट या रेफरेंस लिया है और उसको कोई वैल्यू ही नहीं दी है तो वो पर्टिकुलर नल रेफरेंस में चला जाएगा। और आगे हमने डिस्कस किया डिवाइड बाय जीरो के, अगर कोई वैल्यू को आप डिवाइड कर रहे हो और वो डिवीजन वाली वैल्यू जीरो हो जाती है तो ऑफकोर्स आप जानते ही हैं कि कोई भी वैल्यू जीरो से तो डिवाइड होती ही नहीं है, तब ये एक्सेप्शन यूज करेंगे। फिर इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन जो टाइप कास्टिंग के रूल में आता है। फिर आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन, मतलब कोई स्पेस ही नहीं है, इनसफिशिएंट स्पेस है, फिर भी आप प्रोग्राम रन कर रहे हो और उस टाइम पे स्पेस ना मिलने पर ऐसी एरर आ सकती है तो उसके लिए भी है आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन। और लास्ट है स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन, मतलब स्टैक का अगर आप यूज कर रहे हो और पर्टिकुलर उसमें स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है तब भी उस एरर को सॉल्व करने के लिए एक और क्लास एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जानने मिलता है कि हर तरह के एरर के एक्सेप्शंस, मतलब के क्लास रेडी है। आप प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको मालूम होता है कि किस टाइप की एरर जनरेट हो सकती है, तो उस तरह से आप इस कैच के अंदर अलग अलग एक्सेप्शन, मतलब ये क्लास के नाम आप ले सकते हैं, और अगर उनमें से कोई भी टाइप की एरर ट्राई के अंदर जनरेट होती है तो वो कैच ब्लॉक के अंदर जाके वो एरर वाला जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्लास, वो हैंडल कर लेगा और फिर आपने जो भी हमें प्रिंट कराया होगा वो प्रिंट हो जाएगा। पर एनी हाउ किसी भी तरह से वो प्रोग्राम का विंडो बंद नहीं करेगा, वो प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं अब एक एग्जाम्पल छोटा सा।